अग्निपथ केंद्र की मोदी सरकार के लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देशभर में हो रहे बवाल से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से बड़ी संख्या में तथाकथित सैन्य उम्मीदवारों और विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बताते हैं केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल दो दशक पहले कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट में सैनिकों के लिए इतनी छोटी सेवा का सुझाव दिया गया था। कारगिल युद्ध के कारण हुई घटनाओं के क्रम का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए गठित समिति ने देश की रक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। उनमें से कुछ को पहले ही लागू किया जा चुका है। बताया जाता है कि समिति के प्रमुख सिफारिशों में से एक सैनिकों की औसत आयु को कम करना था, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना को हर समय युवा और फिट रहना चाहिए। समिति ने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस बलों के लिए एक एकीकृत जनशक्ति नीति की भी सिफारिश की थी। कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश में कहा गया था, देश के सामने आने वाले छद्म युद्ध और बड़े पैमाने पर आतंकवाद की नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए अर्धसैन्य बलों की भूमिका और कार्यों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए, खासकर कमान और नियंत्रण एवं नेतृत्व के संदर्भ में। उन्हें प्रदर्शन के उच्च मानकों के लिए प्रशिक्षित करने और आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों और केंद्रीय पुलिस बलों के लिए एक एकीकृत जनशक्ति नीति अपनाने की संभावना की जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया था, सेना को हर समय जवान और फिट रहना चाहिए, इसीलिए 17 साल की सेवा, जैसा कि 1976 से नीति रही है, कि वर्तमान प्रथा के बजाय ये सलाह दी जाएगी कि सेवा को 7 से 10 साल की अवधि तक कम कर दिया जाए। इसके बाद अधिकारियों और जवानों को देश के अर्धसैनिक बलों में सेवा के लिए मुक्त कर दिया जाए। कारगिल युद्ध के बाद गठित समिति ने सुझाव दिया था कि सेवा अवधि की समाप्ति के बाद उन्हें नियमित पुलिस बलों में लिया जा सकता है या संविधान के अनुच्छेद 51A(d) के तहत राष्ट्रीय सेवा कोर या एक राष्ट्रीय संरक्षण कोर में शामिल किया जा सकता है, जो भूमि एवं जल संरक्षण और भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास की एक श्रृंखला का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि समिति ने देखा था कि इससे सेना और अर्धसैनिक बलों की औसत आयु कम हो जाएगी और पेंशन लागत भी घट जाएगी। इसके तहत ही अन्य अधिकारों जैसे विवाहित जवानों के लिए क्वार्टर और शैक्षिक सुविधाओं पर होने वाले खर्चे भी घट जाएंगे। समिति ने महसूस किया था कि 1999-2000 में सेना का 6,932 करोड़ का पेंशन बिल कुल वेतन बिल का लगभग 2/3 था और ये हर साल तेजी से बढ़ रहा था। इस वर्ष के बजट में रक्षा के लिए 5.2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। इनमें से 1,19,696 करोड़ अकेले पेंशन के लिए आवंटित किए गए हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना के लागू होने के बाद सेना की पेंशन में तेजी से वृद्धि हुई है। पेंशन पर खर्च की गई इतनी बड़ी राशि का मतलब है कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। इससे आधुनिक हथियारों और उपकरण प्रणालियों की खरीद प्रभावित होती है। रक्षा क्षेत्र को पहले से ही बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा मिलता है और इसके हिस्से को बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। जहां कुछ विशेषज्ञ रक्षा के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव देते हैं, वहीं कारगिल समिति ने इसके खिलाफ सुझाव दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था, समिति GDP के किसी भी प्रतिशत को रक्षा क्षेत्र को आवंटित करने की वकालत करना नहीं चाहेगी। इसे संबंधित विभागों और रक्षा सेवाओं के परामर्श से निर्धारित करने के लिए सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इन सब की सिफारिश कारगिल समीक्षा समिति ने 2 दशक से पहले की थी। हालांकि इन 2 दशक में आई सरकारों ने इसे लागू करने की कभी कोशिश नहीं की। सिर्फ कारगिल समिति ही नहीं, भारतीय सेना ने भी जनशक्ति लागत को बचाने के लिए अग्निपथ योजना के समान एक भर्ती योजना का प्रस्ताव दिया था। सेना ने 2020 में युवाओं को 3 साल के लिए भर्ती करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया था। खैर, अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध देखा जा रहा है। छात्रों का प्रदर्शन दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए पूरे देश में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।